ओम शांति। इस अजीब सी दुनिया में गजब का नज़ारा है। खाली हाथ जाने के लिए इंसान सब कुछ बटोर रहा है। जबरदस्त नज़ारा, और वो नज़ारा जिनको हम अपना अपना कहते हैं, मेरा मेरा कहते हैं, सबको छोड़कर जाना है अगले जन्म में। और वो अगला जन्म, वो अगला पल कब होगा मालूम नहीं। और इसलिए परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा अगला जन्म जो होगा उसमें नाम, रूप, देश, काल, परिवार, स्थान, सब कुछ अलग होगा, सब कुछ नया होगा। इसका मतलब इस जन्म में जो नाम है वो अगले जन्म में नहीं होगा, जो रूप है वो नहीं होगा, जो परिवार है वो नहीं होगा, दूसरा होगा, जो स्थान है वो नहीं होगा, दूसरा होगा, जो प्रॉपर्टी कमाई है वो सारी यहाँ पे पीछे छोड़कर जाएंगे और अगले जन्म में वापस जीरो से शुरू करना होगा। तो साथ कौन चलेगा? न नाम, न रूप, न देश, न काल, न रिश्ते, न परिवार, न प्रॉपर्टी, तो साथ कौन चलेंगे? सिर्फ दो बातें, कर्म और संस्कार। इसका मतलब हर जन्म बाय जन्म मेरे साथ सिर्फ मेरे कर्म और संस्कार चलेंगे, ना कि रिश्ते। तो मेरे जन्मों का आधार क्या हुआ? मेरे अपने कर्म और संस्कार। इसका मतलब यही हुआ ना, ये जो जन्म है, इस जन्म का हर एक जो परिस्थिति है, इस जन्म में जो भी परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं, जो भी अच्छी बातें हमारे जीवन में आ रही है, इसका आधार मेरा पिछला जन्म। पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए, जैसी आदतें डाली, उसी से तो आज का मेरा जन्म तैयार हुआ। पिछले जन्म में हम जिस प्रकार से चले, उसी प्रकार से आज मुझे परिवार मिला, वैसा शरीर मिला, वैसे संपत्ति मिले। मेरे सुख दुख का आधार है मेरे अपने कर्म। तो फिर एक प्रश्न है, आज तुम जिनके लिए गुस्सा कर रहे हो, जिसके साथ गुस्सा कर रहे हो, जिन बच्चों के लिए गुस्सा कर रहे हो, बच्चों के लिए तुम दूसरों के साथ गुस्सा कर रहे हो, ये दोनों के दोनों अगले जन्म में साथ नहीं चलेंगे। लेकिन हाँ, जो गुस्सा किया ना, वो कर्म, उसका फल वो अवश्य साथ चलेगा। इस जन्म में जिस स्वार्थ से, अगर अशुद्ध मार्ग से, गलत मार्ग से धन कमा रहे हो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो धन अगले पल, अगले क्षण या अगले जन्म में साथ नहीं चलेगा। लेकिन जो गलत तरीके से कमाया, उसकी जो बद्दुआएं मिली, वो जरूर साथ चलेगी और वो जरूर फल देगी। इस जन्म में जो तुम चिंता कर रहे हो, इनका क्या होगा, कैसे होगा, और ये भूल गए हो कि हर आत्मा अपना भाग्य लेकर नीचे उतरी है, हर आत्मा उसका भाग्य लेकर मेरे साथ आए हैं। जिनके लिए चिंता कर रहे हो वो अगले जन्म में साथ नहीं होंगे, लेकिन वो चिंता जरूर तुम्हारे साथ चलेगी, वो संस्कार जरूर साथ चलेगा। अगर इस जन्म में मैंने अपने परिवार के लिए किसी को धोखा दिया, तो परिवार साथ नहीं चलेगा, लेकिन वो जो धोखा देने का जो कर्म है ना, वो कर्म और उसका फल मुझे अगले जन्म में जरूर मिलेगा। माना मेरा अगला जन्म सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्मों के आधार से होगा। जिनके लिए कर रहे हैं वो सब पीछे छूट जाएंगे।
और मेरे कर्म मेरे साथ चलेंगे, जो मेरे लिए उस टाइप की परिस्थितियां निर्माण करेंगे, उस टाइप का भविष्य निर्माण करेंगे। तो सोचिए इस जन्म में क्या करना है। ये जन्म जो मुझे मिला है वो क्यों मिला है? जस्ट टू सेटल कर्मिक अकाउंट्स, सिर्फ कर्मों का हिसाब किताब चुक तुक करने के लिए, न कि नया हिसाब किताब बनाने के लिए। तो ये जन्म मुझे जो भी परिवार मिला है, जस्ट टू सेटल कर्मिक अकाउंट, जो भी रिश्ते मिले हैं, जो भी बिजनेस पार्टनर मिले हैं, जॉब के प्लेस पर के सहयोगी मिले हैं, फ्रेंड सर्कल मिला है, पड़ोसी मिले हैं, और मिलने वाले लोग हैं, और कई सारे मिलने वाले रिश्ते हैं, जस्ट टू सेटल कर्मिक अकाउंट्स। नाम मात्र कोई व्यक्ति मेरे सामने आएगा मुझसे हिसाब लेने के लिए, नाम मात्र कोई व्यक्ति आएगा, उसको मुझे न चाहते हुए भी उसे पैसे देने पड़ेंगे, न चाहते हुए भी वो अपने हिस्से का लेके जाएगा। कर्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। नाम मात्र कोई व्यक्ति आएगा अपमान करेगा, कोई आएगा बदनामी करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई धोखा देगा, कोई मदद करेगा, कोई हमारे जीवन में एंजल बनकर आएगा। ये सारे हैं हमारे कर्मों के अकाउंट सेटल हो रहे हैं। अब सोचिए ये कर्मों के अकाउंट हम सेटल कैसे करते हैं? चिल्लाकर, रोककर, किस प्रकार से सेटल करते हैं हम? दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे कोई इंस्टॉलमेंट रहती है, कोई लोन का हफ्ता रहता है, तो हम उसे चुक तो कैसे करते हैं? शांति से ना, चिल्लाकर नहीं ना, उसके प्रति बहुत बुरा कहकर नहीं ना। उल्टा क्या महसूस करते? अरे चलो इस मास का वो इंस्टॉलमेंट चला गया ना, अभी हम बहुत हल्के हैं, अभी हम चलो एकदम हल्के हो गए, लाइट हो गए। तो हफ्ता मैंने चुक तो किया ना, तो मेरा बोझ कम हुआ ना। और अगर हम वो हफ्ता चुक तो नहीं करते हैं, तो इसी प्रकार से मेरे जीवन में अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, मेरे बारे में भला बुरा कह रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, हाउ आई एम गोइंग टू सेटल दिस कर्मिक अकाउंट? मुझे वापस एक नया कर्मिक अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। बहुत शांति से, बहुत स्थिरता से मुझे इस अकाउंट को सेटल करना है। प्लीज ध्यान में रखो, मुझे कर्मों को क्लीन करना है, कर्मों के हिसाब किताब को क्लीन करना है, तो आत्मा हल्की हो जाएगी, तो जीवन में शांति आ जाएगी, मन शांत हो जाएगा। तो ये जीवन किस लिए मिला है? क्लीन योर कर्मा, हर परिस्थिति का सामना शांति से करना है, स्थिरता से करना है, बहुत शुभ भावना के साथ करना, परमात्मा का साथ लेकर करना है, ताकि उस परिस्थिति का प्रभाव मेरे पर ना पड़े। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं चिल्लाऊँ नहीं, मैं क्रोध नहीं करूँ, मैं चिंता नहीं करूँ, हंसते हंसते उस कर्म का हिसाब चुक तो करूँ। ध्यान में रखना, अगर किसी ने मुझे भला बुरा कहा, लेकिन मैंने बड़े शांति से शुभ भावना के साथ मैंने उनके साथ बात की या साइलेंट रहे, मेरा हिसाब किताब चुक तो हो गया, अगली जन्म में वो साथ नहीं चलेगा, कर्म क्लीन हो गया। इसलिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, मेरे साथ कोई कुछ गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, मुझे वो हिसाब किताब
शांति से, शक्तिशाली बनकर, शुभ भावना से परमात्मा का साथ साथ लेकर चुक तो करना है। तो मेरा अगला जन्म कैसे होगा? बहुत अच्छा होगा, कोई हिसाब किताब साथ नहीं चलेगा। और अभी भी इस जन्म में भी मुझे क्या महसूस होगा? हल्कापन, शांति, मन की शांति। और हाँ, जो गलत कर रहा है ना, वो भी हमारे इस व्यवहार से हमारा सच्चा मित्र बन जाएगा, वो सच्चा दोस्त बन जाएगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो हमारा सच्चा मित्र बन जाएगा। सो सिर्फ ध्यान में रखना, क्लीन योर कर्मा, क्लीन कर्मा। ओम शांति।